वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों आज यानी कि 4 जुलाई को रात 8 बजे सोनी मैक्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला है मिस्टर मजनू का हिंदी डब वर्जन, जिसके बाद ये फिल्म आपको 11 बजे के आसपास गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो वैसे 2019 की ये फिल्म है, पर मैंने इस फिल्म को अब तक नहीं देखा था, तो मैंने भी कल ही इस फिल्म को Z5 के मोबाइल एप्लीकेशन पे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा है तेलुगु वर्जन में। तो आइए दोस्तों देते हैं आपको इस फिल्म के तेलुगु वर्जन का एक हिंदी रिव्यू और बताते हैं ये फिल्म मुझे कैसी लगी। तो फिल्म के ट्रेलर और फिल्म के जॉनर को जानने के बाद मुझे इस फिल्म से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मिस्टर मजनू 2019 में आई एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में थे हमें नजर आएंगे अखिल अकिनेनी और निधि अग्रवाल। तो मुझे फिल्म की स्टोरी से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में पहले से ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इतनी वैरायटी की फिल्में बन चुकी हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट में या फिर कहें इस कैटेगरी में जो स्कोप है वो बहुत ही कम रह चुका है, और अगर फ्यूचर में भी कुछ अलग देखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिल्म से मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद थी नहीं, पर मुझे लगा था कि क्योंकि अखिल अकिनेनी को अब तक बॉक्स ऑफिस पर कोई एक हिट फिल्म नहीं मिली है, तो शायद इस फिल्म में कुछ अलग या फिर कुछ बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। पर कहना चाहूंगा ये जो पूरी की पूरी फिल्म है मुझे काफी ज्यादा निराश करती है। फिल्म की कहानी फिल्म जब स्टार्ट होती है तो वहां एक अलग प्लॉट पे एक अलग पॉइंट पर स्टार्ट जरूर लेती है, पर आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये पूरी की पूरी फिल्म हमें एक आउटडेटेड कहानी की तरफ लेकर जाती है, जहां पर आपको पता है अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, जहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि फिल्म इंटरवल के बाद ही मुझे लग गया था कि मैं बैठे बैठे बोल सकता था कि फिल्म की आगे कहानी में क्या होने वाला है। मतलब पूरी तरह से फिल्म सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अगर आउटडेटेड कहानी प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन तो रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में होती ही है, पर मुझे सबसे बुरी बात यह लगी कि इस फिल्म की जो पूरी की पूरी कहानी थी वो 3 बड़ी साउथ की या फिर 3 बड़ी तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड मुझे नजर आई। अगर फिल्म की शुरुआत में आप देख लो जो एक दिखाया गया है, एक फैमिली दिखाई गई है जहां पर अखिल अकिनेनी के जो चाचा का रोल प्ले कर रहे हैं राव रमेश, वो उन्हें कोसते रहते हैं, पर असल में उनका जो कैरेक्टर है उसे बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अखिल अकिनेनी को उसे बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो जो पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है मुझे उसे देख के ही तुरंत ही रवि तेजा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धमकी, उस फिल्म की याद आ जाती है। पर वो एक अलग ही लेवल की क्लासिक फिल्म थी और उस टाइम के हिसाब से बहुत ही कमाल की फिल्म थी, और आज भी उस फिल्म को आप देखोगे तो उस फिल्म की स्क्रीन प्ले, उस फिल्म की कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी थी, पर यहाँ पर वो सब चीजें देखने को मिलती नहीं है। और उसके बाद की जो कहानी है, मतलब इंटरवल से पहले के सीन और इंटरवल के बाद की पूरी कहानी आपको 2 फिल्मों की याद जरूर दिलाएगी। ये दोनों की दोनों फिल्में वरुण तेज की फिल्म है, एक है थोली प्रेमा और दूसरी है फिदा। आपको फिल्म की पूरी कहानी में इन दोनों फिल्म की याद जरूर आने वाली है। मुझे तो उस वक्त भी थोली प्रेमा ज्यादा कुछ पसंद आई नहीं थी, मुझे तो उसकी कहानी भी आउटडेटेड लगी थी, पर क्योंकि वहां पर जो कास्ट परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो इस वजह से उस फिल्म को एक बार देखा जा सकता था फिर भी। पर इस फिल्म के लिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर अखिल अकिनेनी का जो परफॉर्मेंस है वहां पर हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, पर उन्होंने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। पर दूसरी तरफ निधि अग्रवाल, कहना चाहूंगा एक्टिंग बहुत ही, मतलब कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने इतनी सारी फिल्म, 4-5 फिल्म कम से कम तो वो कर चुकी है, और अभी भी उनकी एक्टिंग में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं है। और कहना चाहूंगा इस पूरी लव स्टोरी को पूरा फीका करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है निधि अग्रवाल की एक्टिंग का। चाहे इमोशनल सीन हो, चाहे कॉमिक सीन हो, चाहे कोई भी सीन, रोमांटिक सीन हो, कहीं पर भी उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी परफॉर्मेंस आपको इंप्रेस नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। इसके अलावा मुझे इस फिल्म की एक और चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इस फिल्म में डायरेक्टर जिन्होंने भी इस फिल्म के अखिल अकिनेनी का कैरेक्टर लिखा है तो वो उस कैरेक्टर किससे हमें बताना क्या चाहते हैं। पहले उन्हें एक अजीबोगरीब तरीके से पेश किया जाता है और उसके बाद अचानक से उनके कैरेक्टर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशंस को ले आया जाता है, फिर उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें प्यार व्यार के बारे में कुछ समझ आता नहीं है। मतलब एक बंदा जो इतनी मोटिवेशनल बातें, इतने रिलेशनशिप्स, इतनी जिम्मेदारियों की बातें कर रहा है पर उसे प्यार के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे कोई उसकी केयर कर रहा है तो उसे वो चीजें समझ नहीं आ रही है। तो इस चीज को दिखाने में पता नहीं डायरेक्टर क्या दिखाना चाहते थे, शायद उनकी कुछ अलग सोच हो, मुझे समझ नहीं आता है, पर वो जो कैरेक्टर है बिल्कुल कन्विंसिंग नजर नहीं आता है। फर्स्ट हाफ तक तो बिल्कुल नजर नहीं आता है।
इसके अलावा फिल्म के दो जो मेजर प्लस पॉइंट्स थे जो मुझे लगे अच्छे लगे, वो थी इस फिल्म की कॉमेडी। फिल्म में जो कॉमेडी है वो बहुत ही अच्छी है और इस डिपार्टमेंट को दो जन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला है। एक है राव रमेश और दूसरे हैं प्रियदर्शी। इन दोनों के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और ये दोनों ही इस फिल्म में हमें हंसाने में कामयाब रहते हैं और इन दोनों की वजह से ही फिल्म थोड़ी बहुत देखने लायक बन पाती है। इसके अलावा मुझे इस फिल्म की जो एक और चीज अच्छी लगी वो थे इस फिल्म के गाने। फिल्म के गाने मुझे पहले से ही, फिल्म के रिलीज होने से पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे और फिल्म के गाने मुझे बहुत पसंद आए, पर जैसा कि हिंदी डब वर्जन में गाने होंगे नहीं तो बात करके कोई मतलब नहीं। पर अगर आप ओरिजिनल वर्जन में देखना चाहते हो तो फिर से एक तेलुगु फिल्म में मुझे वही चीज देखने को मिलती है कि फिल्म का क्लाइमेक्स आने से पहले एक गाना डाल दिया जाता है। अगर आपने मेरे 2017-2018 के रिव्यूज देखे होंगे कुछ तेलुगु फिल्मों के, तो उस टाइम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीजें बहुत चल रही थी। मतलब क्लाइमेक्स से पहले ही गाना डाला जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हम क्लाइमेक्स तक आना चाहते हैं पर आप उस गाने के द्वारा, भले ही वो गाना कितना भी अच्छा हो, वो गाना फिल्म की कहानी को स्लो कर देता है और सिर्फ 2 घंटा 18 मिनट लंबी ये फिल्म हमें बहुत लंबी नजर आती है। हालांकि शायद हो सकता है कि हिंदी डब वर्जन में इतनी लंबी ना नजर आए, पर फिर भी फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही खींचा हुआ है। इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि इंटरवल के बाद ही मुझे फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटरवल के बाद से ही मुझे पता चल गया था कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है और पूरी की पूरी फिल्म वैसी ही चलती रहती है। और शुक्र मानिए कि फिल्म के सेकेंड हाफ में भी कुछ अच्छे कॉमेडी सीन्स आते हैं जिसके वजह से फिल्म थोड़ा बहुत देखने का मन कर जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा अच्छा था, पूरी फिल्म के मुकाबले तो फिल्म का क्लाइमेक्स थोड़ा अच्छा लिखा गया था। फिल्म में बात करें इमोशनल सीन्स की, तो जितने भी कहूंगा कि जो लव स्टोरी से रिलेटेड जितने इमोशंस हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, पर जितने फैमिली इमोशंस फिल्म में दिखाए गए हैं वो थोड़े बहुत इम्पैक्टफुल हैं, क्योंकि वो एक कहूंगा कि बहुत ही ऐसा कहूंगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो कि हर फिल्म में काम करता है। तो इस फिल्म में भी जो फैमिली इमोशंस हैं वो काम करते हैं, पर जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल कन्विंसिंग नजर नहीं आती है, वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती है। दोस्तों ओवरऑल कहा जाए तो मिस्टर मजनू को मैं 2020 में देखने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। मुझे फिल्म काफी ज्यादा आउटडेटेड, काफी ज्यादा हद से ज्यादा बाकी पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड नजर आई। फिल्म की रूटीन स्टोरी के वजह से फिल्म बिल्कुल देखने का आपको शायद ही मन करे सेकेंड हाफ के बाद। तो इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से मैं देता हूँ 2.8 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।